नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 तो सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1। ओ माय गॉड, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमें कैसे बनाना है, ठीक है बाबू? जितना नंबर में सवाल आएगा उतना नंबर इंडिकेट करना, और सबसे पहले लिखना गिवेन। गिवेन मैंने दिया है, क्या दिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। बट मुझे सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो जिसे आपको सिद्ध करना है ना, उसे आप एक्स मान लो। जैसे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को एक्स, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 दिया था, बट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एक्स हमने मान लिया, ठीक है? इतना तो कर सकते हो ना। इतना करने के बाद एक काम करना दोस्त, यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, अगर आप सीबीएसई का एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखोगे, ठीक है? बट हिंदी इंग्लिश सब चलता है बिहार बोर्ड में। तो समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पे, तो कैसे जोड़ा जाता है? LHS को LHS के साथ, RHS को RHS के साथ। तो इसका LHS क्या है दोस्त? तो इसका LHS है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये LHS है। और इसका LHS क्या है? इसका LHS है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? अब यहाँ से देखना, बहुत प्यारा सा है। इसका LHS क्या है दोस्त? इसका LHS क्या है? तो बराबर किधर वाला कोई LHS, तो इसका LHS है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसका LHS क्या है? साइन माइनस कॉस थीटा। क्या करना है? जोड़ना है, लेकिन कैसे? वर्ग करके। वर्ग का मतलब स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, ठीक है? वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है? अब देखो, इजकल टू है, इजकल टू दे देते हैं। इसका RHS, समीकरण 1 का RHS, फिर उस समीकरण 2 का RHS, क्या करना है? जोड़ना है, लेकिन कैसे जोड़ना है? वर्ग करके। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब बताना a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखेंगे दोस्त, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है? आप 2ab को यहाँ भी लिख सकते हैं, प्लस में 2ab होता है, माइनस में माइनस 2ab होता है, ठीक है? बट ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहलुका का स्क्वायर प्लस दूसरका का स्क्वायर प्लस 2 पहलुका इंटू दूसरका, प्लस से प्लस दे देंगे। फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिए, इजकल टू है, यहाँ पे इजकल टू दे देंगे, ठीक है? और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताना दोस्ती, माइनस में 2ab, ठीक है, और ये प्लस में 2ab कटेगा क्या? आप बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1। अब यहाँ ख़त्म, प्लस प्लस दे देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आगे बढ़ेंगे, ख़त्म, क्या बचेगा? इजकल टू, फिर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ से 1 से 1 भी कट जाएगा। अब जैसे भी करो 1, और 1 इजकल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट चलेगा, रूट में क्या? प्लस माइनस दोनों। तो यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं, एक्स बराबर क्या आ गया? प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1। यहाँ पे लिखेंगे, अतः आपने क्या माना था? आपने माना था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, आपने क्या माना था बोलो, क्या माना था? एक्स माना था ना। और ये तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू एक्स, एक्स का मान कितना है? प्लस माइनस 1, यही सिद्ध करना था ना। तो ये हो गया PROVED प्रूव्ड। ओके, कैसा लगा आप कमेंट में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PT प्रूव डैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए 1 प्लस 10 इजकल टू 1। LHS और ये क्या होता है? RHS। सबसे पहले LHS का मतलब होता है LHS को लिख देना। मैंने LHS को लिख दिया, देखो sec 1 माइनस है लिख दिया, बट इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दे। देखो sec नीचे जाएगा cos प्लस प्लस, 10 का क्या होता है? साइन बटा cos। बस LHS का मतलब LHS को लिख देना, LHS ही है बट थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। sec को लिख दिया 1 बटा cos, 10 को लिख दिया साइन बटा cos। अब क्या करें, ये जो फर्स्ट टर्म इसे छेड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे लाना है 1। और जब भी कोई सवाल आता है सिद्ध करने के लिए, तो उसमें प्लस पॉइंट होना चाहिए, माइंड होना चाहिए। जैसे इसका LCM क्या होगा? कॉस, कॉस कॉस कट्टी 1 बच्ची, कॉस कॉस कट्टी साइन बच्ची। अब क्या करें? ओ माय गॉड, अच्छे ये दोनों को देखते हैं। यहाँ से देखो, इसे क्या है, रहने देते हैं। कॉस को इधर तिर के लाओ, बोलो भैया एक्सक्यूज मी,
अगर यहाँ पे कॉस यहाँ पे आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, वन माइनस साइन है, बहुत छोटा सा चीज़ है, इधर क्या बचेगा वन प्लस साइन है। कॉस कहाँ गया, तो कॉस को आपने आगे लिख दिया। अब यहाँ से देखना, सेके रहने देते हैं, कॉस ए भी रहने देते हैं, एक बार नफरत एक बार मोहब्बत, एक बार नफरत एक बार मोहब्बत, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, शुरू वाला का स्क्वायर तो एक का स्क्वायर एक माइनस बाद वाला का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होगा ना, एक का स्क्वायर एक ही होगा ना। अब यहाँ से हम कहेंगे सेक ए रहने देते हैं, कॉस ए रहने देते हैं, आपको पता नहीं है क्या, पता होना चाहिए, नहीं है तो वन माइनस साइन स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता, कॉस स्क्वायर, एगो कॉस एगो कॉस कटेगा तो क्या बचेगा सेक, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस, और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, सेक इंटू कॉस कट के क्या आएगा वन, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। यही लाना था, RHS प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कैसा लगा आप मुझे बताना, ठीक है। और आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो ना भाई, वो मैं टेंथ पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पर्सनली आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर मुझे अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, थैंक यू, बाय।